नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। राजस्थान में एक बार फिर नारी शक्ति का परचम लहरा है। राजस्थान को 13 साल बाद दूसरी महिला मुख्य सचिव मिली है। 1985 बैच की आईएएस उषा शर्मा प्रदेश की नई मुख्य सचिव है। केंद्र और राज्य में काफी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा चुकी हैं उषा शर्मा। वे इस पद पर पहुंचने वाली दूसरी महिला है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। इसके पहले 2009 में कुशल सिंह राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी उषा शर्मा के पति बीएन शर्मा भी रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं और वे विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के बेहद करीबी भी हैं। दरअसल बीएन शर्मा सीपी जोशी के साले हैं और राज्य विनियामक आयोग में सदस्य हैं। वे मूलतः जयपुर से ही हैं और जयपुर में ही रहते हैं। उषा शर्मा लंबे समय से केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर थी और जिन्हें राज्य सरकार के आग्रह पर केंद्र सरकार ने उनके मूल कैडर से भेजने के रिलीव ऑर्डर जारी किए थे, जिसके बाद से ही माना जा रहा था कि उषा शर्मा के नाम पर गहलोत सरकार ने मुहर लगा दी है। वहीं उषा शर्मा राजस्थान में यूडीएच सचिव, नागरिक उड्डयन सचिव, पर्यटन सचिव, उद्योग सचिव, जेडीए, इसके अलावा बूंदी और अजमेर की कलेक्टर भी रह चुकी हैं। वे केंद्र में भी कई महत्वपूर्ण पदों पर रही है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में डीजी, केंद्रीय एआरडी में अतिरिक्त सचिव और पर्यटन मंत्रालय में एडीजी पर्यटन पे पद पर रह चुकी हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट में आयुक्त सचिव, प्रमुख सचिव भी रह चुकी हैं। राजस्थान ब्यूरोक्रेसी को हेड करने के लिए उषा शर्मा का कार्यकाल करीब 1.5 साल का रहेगा। 26 जून 1963 में जन्मी शर्मा का कार्यकाल जून 2023 में ही पूरा हो जाएगा। 2023 के विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले ही वे रिटायर हो जाएंगी। एक तरफ वैसे तो आईएएस उषा शर्मा के सीएस बनने के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ 13 साल बाद राज्य को दूसरी महिला सीएस मिलना भी बड़े गर्व की बात है। खैर, आईएएस उषा शर्मा को मुख्य सचिव का पद मिलने पर डिफैक्ट इंडिया की ओर से भी हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।